पुण्य का उदय तो इतना जबरदस्त है, पुण्य का उदय तो इतना तगड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपके अंबानी बंधुओं की तो क्या बात करो, आपके लक्ष्मी मित्तल, टाटा, बिड़ला, किन किन की बात करो आप। ये सारे वर्तमान में जितने दिखते हैं सबको इकट्ठा कर लो। अरे हम ऐसा कहते हैं, चक्रवर्तित्व का पुण्य आपके पुण्य के आगे पानी भरता है, ऐसे पुण्यशाली हैं आप। क्या समझ में आ रही है कि क्या कह दिया मैंने? आपको भरोसा ही नहीं है आपके पुण्य के ऊपर, आपको भरोसा ही नहीं है आपको क्या मिल गया है, क्या वाक्य कह दिया है मैंने? साधारण बात नहीं कह रहा हूँ, क्या साधारण बात नहीं कह रहा हूँ, इस बात की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि आपको क्या मिल गया है। चक्रवर्तित्व का पुण्य, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्तित्व का पुण्य, मिथ्यात्व के काल में 6 खंड की विभूति है उसके पास में, 96,000 पत्नियाँ हैं उसके पास में, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 14 रत्न हैं, 9 निधियाँ हैं, एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाला स्वर्ग का 1,000 देव है। उसके बावजूद भी यदि वो मिथ्या दृष्टि है, यदि उसको जनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है, यदि वो चक्र रत्न को लेकर के 6 खंड के विजय के लिए दौड़ा चला जा रहा है, तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली हैं आप, जिनके पास में समय है अपने आप को जानने के लिए, जिनके पास में समय है अपने आप को समझने के लिए, जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आप को जानने पहचानने के लिए, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं जिनवाणी की चर्चा को सुनने के लिए, जो जिनवाणी की चर्चा को सुन रहे हैं, वे भाग्यशाली हैं। चक्रवर्ती से ज़्यादा भाग्यशाली आप, मिनिस्टरों से ज़्यादा भाग्यशाली, प्रधानमंत्री से ज़्यादा भाग्यशाली, राष्ट्रपति जी से ज़्यादा भाग्यशाली, क्या बतलाएं आपको, आपका भाग्य क्या है? ये वो भाग्य है जो भाग्य आपको भगवान बना देगा, बोलो, ये वो भाग्य है। उड़मल जी साहब लिख रहे हैं पेज नंबर 17 पर, भली होनहार है जिसकी, जिसके कान में ये बात पड़ रही है, भाग्यशाली है। भली होनहार है, भली होनहार, सद्भाग्य है, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, रिटर्न में सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको, आप कितने भाग्यशाली हैं। आप सुन रहे हैं ना, आप रोजाना स्वाध्याय कर रहे हैं ना, आप प्रवचन सुन रहे हैं ना रोजाना, आप जिनवाणी की बातों को अपने कर्णेंद्री का विषय बना करके हृदय की गहराइयों में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, आपसे बढ़कर कोई भाग्यशाली नहीं है। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, अपने आप को अभागा मत समझना, अभागा मत समझना कभी भी। छोटी छोटी सी बातों में अपने आप को लोग अभागा कहने लग जाते हैं, अरे पंडित जी मेरे पास तो, अरे पंडित जी हमारे पास तो ये नहीं है, अरे पंडित जी क्या बतलाएं, हमारी तो किस्मत ही, अरे तुम्हारी किस्मत, मैंने कहा ना इंद्र एमिंद्र लोग पानी भरे आपकी किस्मत के आगे, ऐसी किस्मत है आपकी। मनुष्य आयु, जैन कुल, जिनवाणी सुनने का अवसर, और आप कहें अभागा, अरे रोटियां नहीं मिले तो न मिले, आप भाग्यशाली है। क्या बच्चे कहना नहीं माने, जिनवाणी सुन रहे हैं, आप भाग्यशाली है। आज यदि आपको सोना बनाने की विधि मिल जाए, गोल्ड किस तरह से बनाया जा सकता है, आज यदि आपको डायमंड की खानों का, माइंस का, डायमंड की माइंस का, अवनीश भाई डायमंड की माइंस का यदि आपको पता लग जाए कहाँ हैं, और आपको उसका सीक्रेट पता लग जाए, और सिर्फ आपको मिलने वाली हो, तो आपको कैसे लगता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ? भैया यहाँ डायमंड की माइंस की चर्चा नहीं है, यहाँ तो अतिंद्रिय आनंद अनंत सुख की माइंस की खबर लग रही है हमारे को, अतिंद्रिय आनंद की माइंस की खबर लग रही है। प्रतिक्षण 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 अनंत 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 सुख का उपभोग, उस माइंस की खबर लग रही है। आप अपने आप को अभागा कैसे कह सकते हैं? आप बहुत भाग्यशाली। कुंद कुंदाचार्य आदि वीतरागी संत, साक्षात सीमंदर भगवान की वाणी, साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी, साक्षात तीर्थंकरों की वाणी हम तक आ गई है, हम कैसे अभागी हो सकते हैं? हम बहुत भाग्यशाली हैं भाई साहब। मैं कंपेरिजन करने की बात कह रहा हूँ। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास सारे साधन हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ हैं, एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास में सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन बेचारे के कान में जिनवाणी के शब्द नहीं पड़ते हैं, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसके कान में जिनवाणी के शब्द पड़ रहे हैं। अब इन दोनों व्यक्तियों के अंदर कंपेरिजन करके देखिए आप तोलिए उनको तराजू की तुला के ऊपर। जिनवाणी ये कह रही है जब आप ऐसे दो व्यक्तियों को तराजू की तुला के ऊपर तोलते हैं, जिसके पास में सोना है, जिसके पास में डायमंड है, जिसके पास में हीरे जवाहरात है, जिसके पास में नौकर चाकर है, जिसके पास में भरा पूरा परिवार है, जिसके पास में सारे साधन हैं, जिसके पास में सारी सुविधाएं हैं, जिसके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, मिलियंस बिलियंस मल्टी बिलियनर्स है, मान लीजिए आप, उसके बावजूद भी यदि जिनवाणी कान में सुनने को नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास में शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन तत्व चिंतन है, वस्तु स्वरूप का विचार है, हम ये कह रहे हैं तराजू के ऊपर तोलने पर ये ज़्यादा वजनदार है।
क्यों? फ्यूचर इसका ज्यादा अच्छा है। क्यों? ये सिद्ध बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भगवान बनने वाला है, वो निगोद जाने वाला है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? वो निगोद में जाने वाला है, उसका फ्यूचर निगोद है और इसका फ्यूचर सिद्ध दशा है। कौन भाग्यशाली? भाग्यशाली किसे कहे? एक की किस्मत में अनंत काल तक एकेंद्री पर्याय में रुलना है और दूसरे की किस्मत में अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के अनंत सुख का उपभोग करना है। कौन भाग्यशाली है? किसे कहेंगे भाग्यशाली? विचारणीय बात है। विचार करना, विचार करना हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें दिख नहीं रहा है हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है ये दिख नहीं रहा है हमारे को।